वो भी पढ़ा लिखा हो, कितना पढ़ा लिखा हो, पांचवी तक पढ़े हुए हैं, पांच क्लास तक पढ़े हुए हैं और ये काम कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो कितने की पड़ रही है और आप कितने में बेच रहे हो? ये हमारे ईट पड़ रही है 3.5 से 4 के बीच में और बेच रहे हैं 4 से 5.5 तक की, 5 तक। आज हम आए हैं गेंदलिया गांव में जो भीलवाड़ा जिले के अंदर ही है और यहाँ पे है जय बजरंग बली पोल फैक्ट्री के नाम से यहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है और इनके प्लांट के जो मालिक हैं वो है गोकुल प्रसाद जी। हाँ सर, आपका नाम क्या है? गोकुल प्रसाद जी। गोकुल प्रसाद जी नाम है, जो पिछले 4 से 5 सालों से ये काम कर रहे हैं और ये एक किसान है। मतलब इनका पहले क्या कंस्ट्रक्शन का काम था, लेकिन पहले आपका क्या कंस्ट्रक्शन का काम था? जी सर। तो वो क्यों छोड़ा आपने, कितने साल पहले था वो? साल 2015-16 की बात है सर। तो फिर क्या हुआ था? फिर बाद में मेरा एक्सीडेंट हो गया सर। कोई जानवर आ गया था रोड पे आ रहे थे आप? जी सर। कोई रोड पे आ रहे थे बाइक लेके शायद, ये तो जानवर आ गया था, उसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हो गया और इनका पैर फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर तो उसकी वजह से ये कंस्ट्रक्शन काम इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद इन्होंने खुद का धंधा शुरू करने की जो है सोची कि भाई मेरा एक जगह प्लांट लगा कर या कुछ भी इस टाइप का धंधा करूँ मैं, जिससे मैं एक जगह बैठ के पैसा कमा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे इनका जो सेटअप देखा मैंने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो जो गोकुल जी हैं वो हमें बताएंगे अपना पूरा प्लांट की किस तरह कार्य कर रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं और कितना मुनाफा कमा रहे हैं और कितने सालों में इन्होंने कितना पैसा कमाया है। तो गोकुल जी आप बताओ कि यहाँ पे क्या क्या है और कहाँ पे है ये, आपका पहले ये बताओ कहाँ पे है? गेंदलिया के अंदर है सर। गेंदलिया कहाँ है? गेंदलिया चित्तौड़, मतलब कोटड़ी तहसील के अंदर है। भीलवाड़ा के अंदर कोटड़ी तहसील है, उसके अंदर गेंदलिया गांव है और ये मेन रोड पे, ये देखो आप, ये मेन रोड पे ही है। गेंदलिया से रेणवास वाला रोड है, मेन रोड पे ही है और यहाँ पे देखो ये चीज़ें भी है, काफ़ी खुद भी उपयोग में ले रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा शेड बना हुआ है यहाँ पे इन्होंने, मतलब कि इस टाइप से कुछ नहीं बना रखा है, चद्दर उधर लगा के कुछ नहीं बना रखा है, ये पूरा इनका खेत है, पूरा खेत पे ही पूरा सेटअप इन्होंने बना रखा है, पूरा खेत ही है। जी सर। ठीक है, ये क्या क्या आइटम है? खंबा, एक तो खंबा बना रहे हैं। हाँ जी सर। ये पोल है ना? हाँ जी। एक तो सीमेंट के पोल है, सीमेंट के पोल के साथ में जैसे ये ट्रैक्टर वैक्टर सब आप ही के? जी सर। ये मतलब क्या है, इन्होंने जैसे मान लो सीमेंट लाना है ले जाना है या ईंटें लानी है या खंबे लाने हैं, सारी चीज़ों के लिए इन्होंने व्यवस्था खुद ही कर रखी है? पानी वानी की व्यवस्था अपनी है सर, खुद की है। हाँ जी सर। अच्छा, यहीं पे रहना है, यहीं पे खेती बाड़ी भी करनी है, यहीं पे धंधा भी? गोकुल जी ने जो यहाँ पे प्लांट लगा रखा है वो इधर सीमेंट की ईंटों का प्लांट लगा रखा है और ये यहाँ पे ईंटें बना रहे। कब से बना रहे हो आप ये ईंटें? साल भर से। एक साल से बना रहे हो? जी सर। ठीक है, दिन भर में कितने बना लेते हो? दिन भर में 800-900 ईंट बन जाती है। दिन भर में 800-900 बनाते हो? जी सर। लाइट की वजह से लाइट नहीं होने की। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर लाइन है, क्योंकि देख जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे खेत है, एग्रीकल्चर लाइन है, तो एग्रीकल्चर लाइन में 3-4 घंटे ही लाइट आती है ना? जी सर। जी, उसकी वजह से ये पर डे शायद 800 ही ईटे बना पाते हैं, वरना अगर इसको पूरे दिन चलाएं तो पूरे दिन चलाओ कितने बना लेगा? 1500-1600 पूरे दिन चलाएंगे तो 1500-1600 ईंटें बना पाएंगे। और ये देखो आप, ये खुद भी काम में ले रहे हैं, ये चारों तरफ जो आप ये देखो पूरा इनका खुद का ये बना रहे हैं यहाँ पे, और ये इनके लिए यहाँ पर शायद रहने के लिए मकान या दुकान भी बना रहे हैं, तो उसमें भी ये ईंटों का उपयोग ले रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों, महिलाएं क्या नहीं कर सकती, महिलाएं क्या नहीं, महिलाएं देश चला सकती है, लेकिन हमारी क्या सोच ही छोटी है। ठीक है, हम सोचते हैं कि नहीं वो घर में ही रहे। ये देखिए, एक महिला आपको दिख रही है, ये सारा पूरा सेटअप जो है ये चला रहे हैं, पूरा ऑपरेट कर रहे हैं, ये और इनके घर वालों के साथ में ये पूरा सेटअप ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, कई नाम है आपको, नाम कही है? क्या नाम है? नर्मदा देवी। नर्मदा देवी जी का नाम है। कतरा सालों काम कर रहे हो? कहो, कतरा सालों काम कर रहे हैं? साल भर। एक साल में मशीन चला रहे हैं? हाँ। मशीन चला सकती है, ओढ़ते हैं, तो फिर आप क्या सोचना बाकी रह गया है अब आपको? मतलब कहने का मतलब, फ्री बैठने से बढ़िया है छोटा मोटा ही उद्योग लगाएं, जरूरी नहीं है आप ये ईंटों का व्यापार करें या ये पोल का व्यापार करें, कुछ भी करें, लेकिन आप करें। पर ये सोच के कि मैं महिला हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, ये सोच को आप छोड़ दीजिए। जब मैं आज इनसे मिला, इनका काम देखा, तो मुझे मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा यार, एक महिला होकर, वो भी पढ़ा लिखा हो, कितना पढ़े लिखे हो, पांचवी तक पढ़े हुए हैं, 5 क्लास तक पढ़े हुए हैं और ये काम कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आनंद आ रहे हो? आनंद आ रही हूँ। कोई दिक्कत होगा ना मशीन चलावा में? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। नाम क्या है आपको? देवीलाल बेरवा। देवीलाल जी बेरवा। हाँ। बहुत बड़ा लोकल ही रे बड़ा। हाँ, देख पा रहे हैं, सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है। मैं आपको अपने इसी वीडियो में, इन सारे जो वीडियो आजकल जो शूट हो रहे हैं जितने भी हैं, वो किसी तरह के मशीन के प्रमोशन के नहीं हैं, हम आपको ग्राहक दिखा रहे हैं, जो ग्राहकों ने हमारे से मशीनें ली है और वो कार्य कर रहे हैं, वो संतुष्ट ग्राहक है, उनकी कोई दिक्कत है तो भी हम वहाँ जाके सोल्व कर रहे हैं उनके साथ में वहाँ पे। आपको हमारे से कोई दिक्कत है क्या दादा? नहीं, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत है तो बताओ, हम सोल्व करेंगे आपकी। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत होगी तो भी हम सोल्व करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये वो लोग हैं जो खुद प्लांट चला रहे हैं,
ऐसा नहीं है आपको कहीं किसी फैक्ट्री में बैठ के हम दिखा रहे हैं मशीन ऐसी ऐसी है, तो हम आपको वहाँ जाके लाइव लोकेशन में जाके दिखा रहे हैं ये लोग कैसे कार्य कर रहे हैं, एक्चुअल में ये लोग पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं वो भी हम आपको ये बता रहे हैं। आपको ये ईंट कितने की पड़ रही है और आप कितने में बेच रहे हो? ये हमारे ईंट पड़ रही है 3.5 से 4 के बीच में और बेच रहे हैं 4 से 5.5 तक की। मतलब इनके कहने के हिसाब से इनको 1 रुपये एक ईंट का मुनाफा हो रहा है और ये पर डे 800 ईंटें बना रहे हैं, तो 800 रुपये का मुनाफा अपन मान सकते हैं इनको, क्योंकि ये जो लेबर है ये लेबर 4 घंटे ही ये वर्क करती है, बाकी उसके अलावा ये पोल बनाने का कार्य करती है, तो लेबर का जो सैलरी है वो डिवाइड है, मतलब आधा इधर से है आधा उधर से है। इसके हिसाब से ये 6 ईंट की मशीन है, आप चाहे तो 4 ईंट में भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर मान लो अगर लोड ज़्यादा है तो 4 ईंट में भी ले सकते हैं। और इस मशीन की सबसे बढ़िया खासियत आपको क्या लगी, इस मशीन की खासियत क्या है? मशीन तो अच्छी है सर, केवल वजन में अंतर आता है, बाकी मशीन तो अच्छी है। ईंट ईंट कैसी बन रही है इसके अंदर? ईंट बढ़िया बन रही है। तो इसमें कैसी फिनिशिंग वाली बनती है, खुरदरी बनती है? बढ़िया बनती है फिनिशिंग वाली। जो लोग बड़ी बड़ी 50-50 लाख की मशीन लेना चाहते हैं क्या करना चाहोगे भैया, ये मशीन क्यों लेनी चाहिए आपको? वो हमारा छोटा काम है, पैसा कम भी होते हो ऐसा काम चल जाए इस मशीन से। मतलब इन्होंने शुरुआत करी है, शुरुआत के हिसाब से इन्होंने छोटे बजट के हिसाब से काम किया है। इस मशीन की खासियत यह है कि इसमें खुरदरी ईंटें बनती हैं और खुरदरी ईंटें हैं प्लास्टर पकड़ने में आसानी रहती है और पकड़ अच्छी करती है, तो ये सारी ईंटें बनी हुई है इसके अंदर, ये आज सुबह से ही बना रहे हैं सारी ईंटें, आप देख पा रहे हो ये सारी ईंटें जो है ये इन्होंने आज सुबह से बनाई है और शायद 8 से 10 दिन ये इनकी क्योरिंग करेंगे, पानी पिलाएंगे और उसके बाद ये बेचने के लिए है जो है आगे मार्केट में सेल कर सकते हैं। और इनका सबसे बड़ा ये लगा मेरे को, इनके पास में कॉलोनी कटने वाली तो वहाँ पर भी इनको कम से कम 50,000-1 लाख ईंटें तो वहाँ ही चाहिए, लेकिन ये खुद के भी इनके इतनी ज़रूरत है ईंटों की कि ये इनके प्रोडक्शन कम पड़ रहा है ऐसा है। दोस्तों जो मटेरियल काम आ रहा है इसके अंदर, यहाँ पे जो है 6 mm गिट्टी आप देख रहे हैं ये काम में ले सकते हैं, इधर स्टोन डस्ट काम में आ रही है और रेत भी ये काम में ले रहे हैं, इधर बालू भी काम में ले रहे हैं, तो ये चीज़ें सब मिलाकर ये ब्रिक्स बना रहे हैं। और ये आप ये देखिए सामने ये सारा पूरा। अच्छा, इसकी खासियत क्या है बताऊँ आपको, दिखाइए, जो सीमेंट की ईंटें जब इस्तेमाल की जाती है तो सीमेंट की ईंटें क्यों इस्तेमाल की जाती है, उसका फ़ायदा क्या है, आप ये देखिए सामने लाइव जो है आपके सामने ये चिनाई हो रही है और ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के अंदर है, मतलब इसकी जो चिनाई है बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से हो रही है। अब इसमें देखिए यह खुरदरापन जो है उसकी वजह से क्या है, प्लास्टर भी आसानी से पकड़ेगा। अच्छा, इसकी डिमांड इतनी है मार्केट में आज के टाइम में कि गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर रही है, अगर आप चाहो तो आप इसको बिजनेस को करो, अगर आप करना चाहते हो तो डिस्प्ले हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक कभी भी संपर्क कर सकते हो। आपको हमारे प्लांट पर जाके जहाँ जहाँ हमारे ग्राहकों ने मशीनें ली हैं हमसे, जिन जिन ने उद्योग लगाए हैं हमसे, वो किस तरह कार्य कर रहे हैं हम आपको उनका लाइव फीडबैक दिखा रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हो तो, और वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको, हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसके अलावा यहाँ पे एक बेक का मिक्सर भी है, यहाँ पे पूरा प्लांट में आप देखिए ये एक बेक का मिक्सर है जिसमें इंजन लगाया गया है ये पूरा, और ये इधर पोल की फैक्ट्री भी है, इधर पोल भी बनाते हैं, ये खंभे होते हैं बाउंड्री वाल के लिए, यहाँ पे खंभे हैं, ये 48 खंभों का है और उसके आगे वो भी 48 खंभों का है। तो यहाँ पे क्या है, 2 प्लांट चल रहे हैं, एक तो खंभों का प्लांट चल रहा है और एक जो प्लांट चल रहा है वो ब्रिक्स मशीन का। आप पूरा देखिए एक बार, पूरा एक बार दिखाइए पूरा, और एक नॉर्मल बजट में आप इस धंधे को शुरुआत कर सकते हैं और काम की शुरुआत कर सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये इनकी खेत की जगह है पूरी, यहाँ पे ये मतलब कह सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड है, तो यहाँ पे इनका जो कनेक्शन है वो भी सिंगल फेस है, सिंगल फेस लाइट में ही काम कर रहे हैं यहाँ पे, और खेत पे ही इन्होंने पूरा सेटअप कर रखा है, क्योंकि जैसा कि बताया बाहर रोड है, बाहर रोड पर ही इनका पास में ही है, और आप चाहें तो अगर मान लो गाँव के अंदर भी हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट तो इनके पास जैसा पैसा आता गया है इन्होंने लगा लिया गया है इसके हिसाब से, और लेबर जो है वो इन्होंने लेबर ऐसी लगा रखी है, 2 से 3 लेबर लगा रखी है जो इधर फर्मे भरने का कार्य भी करती है, जैसे आज ये फर्मे भर गए तो ये अगले दिन खुल जाएंगे, तो वो फर्मे अगर मान लो इधर से फ्री है तो वो ब्रिक्स बना रही है और ब्रिक्स से फ्री है तो फर्मे बना रही है, तो वो सारे काम हो पा रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छा मुनाफा कर रहे हैं जो गोकुल जी करके हैं, जो ये बहुत अच्छा मुनाफा कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे जो कस्टमर है जो हमसे साल भर पहले से जुड़े हुए हैं और वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आप इनसे भी बात करना चाहते हैं तो इनके नंबर मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप वहाँ इनसे बात कर सकते हैं अगर आप सेटिस्फाई होना चाहते हैं तो, और अगर आप इनसे आके मिलना चाहते हैं तो भी मैं इनका जो नंबर दे दूंगा आप उस पर बात करें।
ईटे या चेनलिंग बारबेंड मशीन है या गोकाश मशीन है, ये कोई भी मशीन अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्प्ले हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप संपर्क करें। ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, ऑफलाइन चाहिए तो ऑफलाइन मिल जाएगा। एसके इंडस्ट्रीज हमारी कंपनी का नाम है, रेलवे स्टेशन से महज 5 मिनट का रास्ता है, भिलवाड़ा के अंदर है, भिलवाड़ा राजस्थान के अंदर है। तो आप यहाँ संपर्क करें, कोई भी बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो एक बार आप जरूर कॉन्टैक्ट करें, हमारे से जितनी मदद हो पाएगी हम मदद करेंगे और जितना सपोर्ट हो पाएगा सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।